कानपुर में महिला के खाते से बैंक कर्मी के साथ मिल फंड के 18,55,000 रुपए उड़ाने वाले दो आरोपियों को क्राइम ब्रांच और पनकी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं बैंक कर्मी की तलाश में पुलिस जुट गई है। पनकी निवासी पीड़ित महिला और राम दुलारी के पति होशियार सिंह पनकी पावर हाउस में कार्यरत थे, जिनकी कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। मृत पति के फंड का पैसा पीड़ित महिला को बैंक से निकल जाने की जानकारी बैंक से मिली तो महिला ने अपने साथ हुए फ्रॉड की शिकायत क्राइम ब्रांच को दी, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने दो आरोपी पनकी पावर हाउस के सामने स्टेशनरी की दुकान संचालक राजकुमार जैन और उसके साथी अमित कुमार मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है। जब दोनों आरोपियों से पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला कि जिस बैंक में महिला का खाता था उसमें कार्यरत बैंक के कर्मचारी की मिलीभगत से तीनों आरोपियों ने महिला के खाते से 18,55,000 रुपए 9 खातों में आरटीजीएस कर ट्रांसफर किया है। वहीं पुलिस बैंक कर्मी की तलाश के साथ साथ उसकी भूमिका की भी जांच कर रही है। राम दुलारी पत्नी श्री लेट होशियार सिंह, जो कि पनकी पावर हाउस में कार्यरत थे, ने लिखित तहरीर पनकी थाने में दी कि उनके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पनकी पावर हाउस शाखा के खाते से विभिन्न दिनांकों में आरटीजीएस व कैश विड्रॉवल के माध्यम से कुल 18,55,000 रुपये अवैध रूप से निकाल दिए गए हैं, जिस पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए थाना पुलिस द्वारा क्राइम ब्रांच की मदद से विवेचना की गई। विवेचना के क्रम में ज्ञात हुआ कि राजकुमार जैन, जिसकी स्टेशनरी शॉप बैंक के पास में ही थी, ने अपने साथी अमित कुमार मिश्रा की मदद से उक्त अपराध को कारित किया है, जिनको क्राइम ब्रांच व पनकी थाने की पुलिस द्वारा आज दिनांक पनकी थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।